नमस्कार सभी किसान भाइयों को। तो जैसे आप देख सकते हो आज हमारे साथ है सोलिस 4515। आज हम इसका डिटेल में रिव्यू बना करके दिखाएंगे और डिटेल में इसके ट्रैक्टर के बारे में आपको बताऊंगा। तो आपको बस वीडियो लास्ट तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक से हमें बस मोटिवेशनल मिलता है। और सबसे पहले मैं इसके ट्रैक्टर की कुछ स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। ये सोनालिका के साथ मिलकर यानमार कंपनी है, जापानीज टेक्नोलॉजी पर बना हुआ ट्रैक्टर है। 109 साल पुरानी कंपनी है, इंटरनेशनल ट्रैक्टर है। 120 देश में ट्रैक्टर को बिकता है और 15 देश में बनता है, जिसमें अपना देश भी है जो ट्रैक्टर को इसको बनाता है। बहुत ही बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ ट्रैक्टर बनता है। और इस ट्रैक्टर की जो खास बात है वो आप धीरे धीरे वीडियो को देखना, वीडियो अच्छी लगेगी आपको। और ऐसा ट्रैक्टर आपने देखा नहीं होगा, इतने कम प्राइस के साथ साथ इतना अच्छा वर्क करने वाला। जिस किसान भाई ने ट्रैक्टर ले लिया तो इस ट्रैक्टर की गुनगा रहा है, और जैसे कि यहाँ का मानना हुआ है। और इस ट्रैक्टर को एक बार लेने के बाद कस्टमर खुद आपको फीडबैक देगा कि कैसा ट्रैक्टर आपको लगता है। अगर हम 4515 की ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं तो ये ट्रैक्टर आपको मिलता है जी कितने हॉर्स पावर सर जी? 48 हॉर्स पावर। ये 48 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है, मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हो इसमें 48 हॉर्स पावर। ये 4x4 4x2 दोनों में ऑप्शन में मिल जाएगा, आपको जौन सा ट्रैक्टर चाहिए होगा वो मिल जाएगा, आप यहाँ पर आके ले सकते हो। तीन सिलेंडर ट्रैक्टर है। एक बार इसका बोनट खुलवा देता है। बोनट खुलवाने से पहले मैं आपको इसके ट्रैक्टर के टायरों की बात कर लेते हैं। तो उसमें टायर अगले जो मिलेंगे अपोलो के मिलेंगे, 6/50/16 के टायर मिलते हैं। देख सकते हो मैं 6/16 के टायर नहीं मिले, 6/50/16 के मिलेंगे। और पीछे 14/28 के टायर मिलते हैं ट्रैक्टर के अंदर, जो कि अपोलो की है। देख सकते हो ये कंपनी जो लगा के दे रही है वो ट्रैक्टर के टायर में बता रहा हूँ। अगर हम बात कर लेते हैं कि एक्सल की, तो हैवी ड्यूटी एक्सल मिल जाएगा, पावर स्टीयरिंग के साथ ट्रैक्टर मिलेगा। और इस ट्रैक्टर की अगर हम बात कर लेते हैं इस चाबी की, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं जो खांचे वो इस टाइप के कटे हुए, अगर कभी इसका बोल्ट ढीला पड़ जाए या निकल के गिर जाए तो आपका ट्रैक्टर फिर भी मुड़ करके घर आ सकता है, ये स्लिप नहीं करता। और इसके अगर हम बात कर लेते हैं आगे वेट की, तो लगभग 60-70 किलो का लगभग वेट मिल जाता है। और टोपलिंग मतलब टू चैन करना हो उसकी पहले प्रोविजन करके दे रखी है कंपनी में, ठीक है ना। आज के हम एयर क्लीनर की बात करें तो ड्राई टाइम मिलता है एयर क्लीनर इसका, जो 3 स्टेज है हॉर्न के साथ, प्लस इसमें सेंसर अगर कभी आपको ये जाम होगा तो इंडिकेटर इसमें शो कर देगा। 12 वोल्ट की बैटरी इधर मिल जाती है, एमरोन की कंपनी की बैटरी इस्तेमाल होती है, कोई ऐसी वैसी कंपनी की नहीं है, बहुत जानी मानी कंपनी है एमरोन। कभी अगर हम इसमें भूसे की बात कर, कभी हम इसमें भूसे के में अगर खेती करते हैं वो हमारे रेडिएटर जाम ना, तो इसमें डबल जाली लगा के दे रखी है, देख सकते हो आप। यानी कोई कंपनी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करती है, डबल जाली देती है, इसमें कंपनी में डबल जाली दे रखी है। एल्युमिनियम का और एल्युमिनियम रेडिएटर है, लॉन्ग लास्टिंग एल्युमिनियम रेडिएटर माना जाता है। और अगर हम इसकी पॉस्टिंग की बात करें तो सिंगल एक्टिंग रोड पॉस्टिंग मिल जाती है। और इसका जो ऑयल है वो अलग ही मिलता है, कोई गियर बक्से नहीं देता, इससे लंबा समय तक पॉस्टिंग बेहतरीन वर्क करता है, अच्छा चलता है। तीन सिलेंडर ट्रैक्टर है, बोस का पंप मिल जाता है तीन सिलेंडर के साथ। और हम इसकी बात कर लेते हैं सीसी की, तो कितने सीसी का इंजन है लगभग इसमें भाई? 3000 सीसी का इंजन मिल जाता है, डुअल क्लिच और सिंगल क्लिच के साथ ट्रैक्टर मिलेगा। इसमें भी 15 गियर मिलते हैं, सबसे बड़ी बात है छोटा एचपी का ट्रैक्टर होने के बाद भी अपने 50-55 हॉर्स पावर जैसे ही गियर दे रहा है, 15 गियर मिलेंगे, 5 रिवर्स और 10 फॉरवर्ड। कॉन्स्टेंट मैच गियर बॉक्स है, जो कि साइड शिफ्टिंग गियर बॉक्स मिल जाते हैं। अगर हम इसके बोनट की बात कर लेते हैं, देख सकते हो सब ट्रैक्टर में सिंगल रोड मिल जाती है पावर स्टीयरिंग, इसमें हाइड्रोलिक की, इसमें डबल मिलते हैं जो कि आपके बोनट को रोक कर रखती है। इस बोनट को हम डाल लेते हैं, इसके आगे से कुछ बात कर लेते हैं। देख सकते हो 4-4 प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है, जो कि रात में इसका इतना अच्छा थ्रो है। और उसमें एक DRR मिल जाता है LED, देख सकते हो ये मेरे हाथ के साथ साथ ये चल रही दोनों साइड, ठीक है ना। दोनों साइड में इसके इतनी ज़्यादा जाली है, ट्रैक्टर इतना ठंडा रहता है, देख सकते हो ऊपर जाली है, स्टेज कूलिंग सिस्टम आगे भी जाली है, 6-स्टेज कूलिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। दो इधर होगी, 1, 2, 3, 4 और 2 इधर है, 5 और 6, ठीक है ना। ये ट्रैक्टर के अंदर इतनी कूलिंग मिल जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की, इंजन ऑयल फिल्टर इधर मिल जाता है और हाइड्रोलिक फिल्टर इधर मिल जाता है। पावर स्टीयरिंग का इसमें सेल्फ स्टार्ट का इधर, इसमें पंप के ऊपर में ग्लाइड मिल जाती है। और देख सकते हो किसान भाई इसे चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, जाने दो। और इसमें आप 55 लीटर का डीजल टैंक मिल जाता है इस ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है ना। और इसके अंदर यहाँ देख सकते हो वाटर सेपरेटर मिल जाता है डबल स्टेज में, और इसमें डबल जाली के साथ एक इसमें मिल जाता है डीजल फिल्टर, ठीक है ना। बोस का पंप मिलेगा इसमें, और इसमें देख सकते हो टूल बॉक्स कोई प्लास्टिक का नहीं मिलता, इसमें लोहे का मिलेगा। और इसमें देख सकते हो कितना अच्छा फुट स्टेपर मिलता है, अगर कोई आपका पैर गारे में गीला है तो आपका स्लिप नहीं होगा। देख सकते हो कितने अच्छे इसमें कंटे दवा इसके अंदर ये मिल जाती है स्टेपर, ठीक है ना, ऊपर चढ़ने के लिए। और 95% इसमें देख सकते हो 95% फ्लैट प्लेटफॉर्म मिल जाता है, डुअल क्लिच सिंगल क्लिच का ऑप्शन मिलेगा ट्रैक्टर के अंदर। 15 गियर में ट्रैक्टर है, 5 फॉरवर्ड 10 रिवर्स के साथ। और इसमें जापनीज सीट मिल जाती है, जो कि मैक्सिमम इसमें
आपके कमर को आराम रखती है और डिलक्स सीट के रूप में जानी जाती है, ठीक है ना। हैंड ब्रेक इधर मिल जाता है, चेक करके जो ऑरेंज कलर का है, पी सी डी सी के लिए ऑरेंज और ब्लैक इधर मिल जाएंगे, ठीक है। एलईडी इंडिकेटर, एलईडी पार्किंग लाइट इधर मिल जाती है, और उसमें देख सकते हो ट्रैक्टर के ऊपर भी आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर मिल जाएगा। रोड के बिल्कुल किनारे खड़ा है हाईवे पर, तो थोड़ा सा धूल में हो रहा है क्योंकि रोडवेज की बस वगैरह जाती है, तुम्हें पता है कितनी धूल उठाती है, यहाँ पर रोड भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा, नहीं तो बिल्कुल डबल ट्रैक्टर डबल पंप के साथ मिलेगा। पावर स्टीरिंग पंप है, इसमें हैलोजन पंप के साथ मिल जाता है, देख सकते हो। तो एक पावर स्टीरिंग पंप है और डीसी पंप है, इसमें एक हाइड्रोलिक पंप है, दो पंप मिल जाते हैं ट्रैक्टर के, तीन ट्रैक्टर हैं, दो तीनों सिलेंडर के हेड अलग है। कभी खुदा ना खास्ता 10-5 साल में कभी कोई वर्क होता है तो आप उसी हेड को खुलवा कर काम करा सकते हो, जिसमें आपका काम होना पूरा, आपको असेंबली खुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ट्रैक्टर की इसकी बात कर लेते हैं कुल वजन की, तो इस ट्रैक्टर का अगर 4x4 लेते हो तो उसमें वजन मिलेगा जी इसका 2310 किलो, और बिना 4x4 में मिलेगा आपको इसका 2060। और व्हील बेस की बात कर लेते हैं तो उसका 4x4 में 2110 mm का व्हील बेस है, और बिना 4x4 में 2090 का है। अगर लंबाई की बात कर लेते हैं तो 4x4 की 3630 है, बिना 4x4 की है 3510 mm। अगर हम बात कर लेते हैं कि चौड़ाई की, तो चौड़ाई लगभग इसकी 4x4 की 1860 और विदाउट 4x4 की 1800 से लेकर 1830 mm की। तो इसका स्पेसिफिकेशन था, और आइए थोड़ा पीछे देख लेते हैं। इसमें ऑयल डिम्पी डिसमिंग मिल जाता है, टायर के एक्सेलेटर कार जैसी मिलेगी इसके अंदर, साइड शिफ्टिंग गियर बॉक्स के साथ। और पीछे आइए थोड़ा सा, मैं पीछे दिखा देता हूँ ट्रैक्टर। तो पीछे देख सकते हो डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, एक्सिलरी वाल्व बोल देते हैं इसे। अगर हम इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो 2000 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी, 1800 किलो से लेकर के 2000 किलो तक आपको लिफ्ट कर लेगा ट्रैक्टर। कोई चैन वगैरह नहीं मिलती, रोड मिलते हैं जिससे आपका ये हिच इधर को ज़्यादा ना हिले। और एडी सेंस के साथ मिल जाता है ट्रैक्टर, अपनी टोपनिंग को अपने खेती के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एडजस्ट करके चला सकते हो। पॉइंट लिंकेज पिन है, और इसमें लिंकेज पिन है, अगर आप आगे की ओर करोगे तो 2 क्विंटल कम, और पीछे की ओर करेंगे तो 2 क्विंटल एक्स्ट्रा वजन उठा लेगा। यहीं पे अगर उठाते हो तो 1800 किलो लिफ्टिंग कैपेसिटी करेगा, पीछे कर लोगे तो 2000 किलो तक की लिफ्टिंग कैपेसिटी ट्रैक्टर कर लेगा। ये 1560 RPM पे 40 चक्कर बना देता है, पीटीओ के रिवर्स पीटीओ और फ्रंट पीटीओ दोनों मिल जाते हैं ट्रैक्टर के अंदर। इसमें देख सकते हो दोनों एक्सिलरी वाल्व चलाने के लिए इधर लीवर मिल जाता है, मरगाटों में कम से कम वाइब्रेट, कम से कम फैले मरगाट लॉन्ग लास्टिंग तक, तो उसमें यहाँ पे देख सकते हो सपोर्ट दे रखी है, वाइब्रेशन और वाइब्रेशन नहीं होती ट्रैक्टर के अंदर। नंबर प्लेट के लिए पहले ही कंपनी प्रोविजन करके दे रखी है, एलईडी ब्रेकिंग, एलईडी इंडिकेटर के साथ एक हैलोजन हेडलैम्प मिल जाती है। रात में अगर कोई भी अपना आप इंप्लीमेंट जोड़ते हो तो इससे आप चांदना करके देख सकते हो। और मरगाट के ऊपर 4 छेद दे रखे हैं ताकि आप इसमें अपनी सीट भी लगवा सकते हो, अपनी किसी कलिंग को किसी बंदे को बैठा करके ले जाना चाहते हो तो बहुत ही ज़्यादा शानदार सिस्टम है। और इसमें छतरी का ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, वेंडर के पास जाकर ड्रिल कराने तो इसमें आपको कोई भी छेद कराने की जरूरत नहीं है, छतरी के लिए भी है, और यहाँ पर सीट भी लगवा सकते हो, सीट के लिए रबड़ के निकालने पड़ जाएंगे। और यहाँ देख सकते हो ये लोहे का नहीं है, ये देख सकते हो ये पिचक रहा है, ये लोहे का नहीं है, इसमें आप आसानी से अपने किसी मेंबर को बैठा करके ले जा सकते हो, कभी आपको गद्दी वगैरह चोट लगने का कोई खतरे वो नहीं होगा। एक बार इसकी आवाज़ सुनवाया था ट्रैक्टर कैसी है, तो जैसे ही मिस्त्री साहब इसकी आवाज़ सुनवाएंगे आपको ट्रैक्टर की, तो देख सकते हो कितनी शानदार आवाज़ है। और अगर हम इसकी गारंटी की बात करें, 5 साल की वारंटी ट्रैक्टर की मिल जाती है। और इसके हम अगर हम इसमें पीटर की बात कर लेते हैं HP की, तो इसमें आपको 4500 horsepower की पीटर मिल जाती है, जो कि किसी कंपनी में इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। ये एक बार लाइट जला के दिखाना, एक बार भाई लाइट जला के दिखाना, इसकी लाइट देखना कितनी शानदार है। और दोनों जलाओ, ये दोनों जल गई, और ये साइड वाली ये देख सकते हो कितना शानदार लगता है DRL जला हुआ इस ट्रैक्टर का। बंद कर दो, तो आपको देख सकते हो इधर साइड में भी ये वाली जलाना। तो देख सकते हो कितनी शानदार, ये साइड में जो इसकी DRL है ये देख सकते हो कितनी शानदार लगती है। इसमें किसी ट्रैक्टर के अंदर इतनी अच्छी लाइट कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, तो ये यहाँ मिलता है। और हम एजेंसी की बात कर लेते हैं, तो देख सकते हो सोलिस यानमार्क के नाम से एजेंसी आपकी ये पड़ती है। भैया एक बार इसका पता एक बार और बता दीजिए ज़रा, कहाँ पड़ती है? संतोष एग्री मार्ट रामराज मेरठ में पड़ती है। रामराज मेरठ में पड़ती है संतोष एग्री मार्ट के नाम से, ठीक है ना। और एक बार अंकल जी का नंबर बता सकते हो जो यहाँ पे इसके जो सेल्स को देखते हैं, क्या नाम है इनका और नाम? महेंद्र पाल शर्मा जी डीलर है, ओनर भी है डीलर भी है। और नंबर इनका एक बार, इनका नंबर है जी 98 97 67 67 इनका नंबर है। आप यहाँ पर आकर के
आकर इनसे मालूम कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो, टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, और ट्रैक्टर अच्छा लगता है आप ले भी सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।